वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अगेन अंतालिया। और आज का कुछ इस तरह से प्लान बना है कि आज जाना है अंतालिया से 2-3 घंटे की ड्राइव पे। काश सिटी है मेडिटेरेनियन सी के साथ, उसको ज़रा एक्सप्लोर करना है, उससे आगे करना है, थोड़ा सा आगे जाना है। कुछ प्लान नहीं है, लेकिन जो है वो ये पता है कि काश तक जाना है, देन उसके बाद जाकर वहाँ पे देखूँगा। इस टाइम हूँ, मैंने की है गाड़ी अगेन रेंट जो कि मुझे एयरपोर्ट से पिक करनी है। और इस टाइम आया हूँ ट्राम स्टेशन पे, जहाँ से ट्राम लूँगा और एयरपोर्ट जाऊँगा, वहाँ से गाड़ी जाके पिक करूँगा। तो फ़िलहाल ट्राम का वेट कर रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हुई है, मेरा ख्याल यही है। और फिर स्टेशन एयरपोर्ट पहुँचता हूँ। गाड़ी का प्रोसेस पहले वैसे पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, एक दफ़ा फिर सरसरी सा आपको दिखा दूँगा। Cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold. All those little moments, the bus you didn't catch me looking over your shoulder. चलें जी, गाड़ी ले ली है अगेन और ये मुझे इंस्पेक्शन करवा रहे हैं। गाड़ी इस बार जो मुझे मिली है वो रेनॉल्ट की सैम्बल मिली है, पिछली दफ़ा पेजॉट थी। और अंदर से कुछ दिखने में ऑलमोस्ट वैसी ही लग रही है, मुझे मैनुअल है। चलें जी, चलते चलते एक सिटी आया, छोटा सा टाउन है, फिनिक करके नाम है। गाड़ी मैंने वहाँ पे पार्क कर दी है और ये नीचे और इस तरफ मेरे आ गया समंदर। अब बिल्कुल, पहले थोड़ा सा दूर था, अब थोड़ा सा करीब, बहुत ज़्यादा करीब हो गया। मींस कि रोड अब जो है ना बिल्कुल उसके मेडिटेरेनियन जो सी है उसके साथ साथ चल रहा है हाईवे। और इसी तरह बीच में टाउन आए जा रहे हैं, तो 2-3 क्रॉस किए थे, लेकिन वहाँ पे सही मुझे पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी साथ में, तो अब यहाँ पे मिली है तो रुका हूँ, देखता हूँ है कैसा। और ये रहा मेरे पीछे पूरा मेडिटेरेनियन सी, और नीचे डेक बना हुआ है, डेक पे जाके अच्छा सा शॉट बनाता हूँ कोई, फिर आपको दिखाता हूँ। जो फिनकी के बाद नेक्स्ट टाउन आया है वो है अभी उधर ही हूँ, था नहीं, गुजरा नहीं है अभी। ये है अदमीरे समथिंग। तो यहाँ पे मैप पे देखा क्या है रुकने की जगह, कोई स्पॉट बन रहा है अच्छा कि नहीं बन रहा, तो निकोलस कोई कैलेसी है, किला फोर्ट, तो उसके वहाँ मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ये मेरे सामने नज़र आ रहा है, मुझे आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन ये पूरी एक, ये भी कुछ मेरा ख्याल कुछ अच्छा खासा बड़ा कोई टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन शायद Andre.
कास्ट अराउंड रह गया था 24 किलोमीटर, और हाईवे पे ही एक पॉइंट नज़र आया था, एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड से कोई एक मतलब टूरिस्टिक कोई प्लेस बताई हुई थी, तो उस तरफ टर्न लिया और अराउंड 22 से 23 किलोमीटर चलने के बाद फिर एक छोटा सा ये गांव आया। ये जगह का नाम क्या है भूल गया हूँ, देख के बताता हूँ। और गांव है, छोटी छोटी गलियाँ, और जो गाड़ी पीछे पार्क करवा दी तो ये सामने समंदर आ गया, वही मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पे हार्बर है, यहाँ से आप बोट वगैरह लेकर जा सकते हो टूवर्ड्स लाइक अंदर सी में, ओपन सी में। और हार्बर कैसा है वो मैं अभी देख लेता हूँ, फिर आपको भी दिखा देता हूँ। ये है जी हार्बर, और साथ ही इधर ऊपर ये गांव भी है, छोटा सा गांव है, और ये हार्बर है इनका। और यहाँ से लोग आके बार बार पूछ रहे हैं, यू वांट टू गो टू केकोवा, वो सामने वाला जो आइलैंड है वो है केकोवा आइलैंड। और उस आइलैंड में आप जा सकते हैं बोट लेकर, 30 मिनट्स का एक ये टूर होता है, और अगर नहीं भी जाना चाहते तो यहाँ पे बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं आप। अच्छा जी, ये कुछ यहाँ पे रुइंस हैं थमोसा, थॉमस या थमोसा, तो उसकी तरफ ये एरो बना हुआ था रास्ता, और बिल्कुल समंदर के साथ साथ पगडंडी सी छोटी सी बनी हुई है। ऊपर जाके देखता हूँ कि कौन से रुइंस हैं, किसके रुइंस हैं, किस कलर के रुइंस हैं। लग गए, ये हैं जी रुइंस। और इस मुझे तो यहाँ पे कोई कब्रें लग रही हैं, कब्रें टाइप कोई जगह है, उसके ऊपर ये ऐसे करके इसको बंद किया हुआ, लेकिन एक दो खुली भी हुई हैं तो उसके अंदर पानी भरा हुआ है। आई डोंट नो अब किसके रुइंस हैं ये, और क्या इनकी हिस्ट्री है। ये देखें ऐसे अंदर पूरा खबर का जो साइज़ होता है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो यहाँ से समंदर ऐसा कुछ दिखता है, वो सामने हार्बर जहाँ से चल के आया हूँ, बस यही चीज़ थी यहाँ पे। अब वापस निकलता हूँ, अभी गाड़ी बड़ी दूर खड़ी करके आया हूँ, गाड़ी की भी टेंशन शुरू होगी, अभी चलता हूँ वापस। ये भी उसी का कुछ पार्ट लग रहा है, इसमें आगे ऊपर ये वाली केव थी, और ये भी समथिंग कोई रुइंस का ही पार्ट है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये सॉर्ट ऑफ गेस्ट हाउस पेंशन वो है, तो अभी तो इन्होंने क्लोज किया हुआ, लेकिन इंटरनेट पे चेक किया है इसका रेट, वो रेट आ रहा है 1100-1200 लीरा, तो इट मीन्स ये कोई बहुत ही लग्जरी टाइप की चीज़ है। तो खैर देख लिया रुइंस को भी, और अब मूविंग टूवर्ड्स गाड़ी। ये भी छोटे छोटे घर हैं, घर में एक पोर्शन को इन्होंने फॉर रेंटल पर्पस रखा हुआ है, ताकि लोग आएँ और यहाँ पे रहें। ये भी देखें ना, ये घर है और ऊपर पेंशन बनाया हुआ है। तो खैर देख लिया, अब आगे मूव करूँगा। चलें जी, अगेन हमने भंड मारा है, वो खड़ी हुई अपनी गाड़ी, और हमने इसकी लाइटें फिर से ऑन करके चले गए थे, और स्टार्ट तो खैर हो जाती है, बहुत दफ़ा मेरे साथ हो चुका हुआ। ये भी एक सॉर्ट ऑफ पेंशन है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पेंशन्स मिल जाएंगे। ओके जी, तो काश सिटी पहुंच गए हूँ, और ओके फाइन थैंक यू। एंड ये भाई मुझे रास्ते में मिले थे,
जिनको मैंने लिफ्ट दे दिया था और अभी ड्रॉप कर दिया। काश सिटी मुझे सामने नज़र आ रहा है और आपको एक बहुत ही इसी भाई ने बताया जो जिनको मैंने लिफ्ट दिया था, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वो अभी बताता हूँ। पहले आपको ऊपर से ज़रा सिटी दिखा दो। ये है जी सामने, ये रहा काश सिटी और यही वही रहा मेडिटेरेनियन सी, अजान होने लग गई। और ये इनका काश का आपको नीचे नज़र आ रहा है हार्बर और ये बोटें, बोट्स खड़ी हुई हैं बोटें, और यहाँ से आप बोट्स लेकर हार्बर से ओपन सी में जा सकते हैं। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बतानी थी वो ये कि वो वाला सामने जो आइलैंड है, ये वाला आपको जो नज़र आ रहा है, ये वाला सेकंड वन, तो ये टर्की का नहीं है, ये बिलोंग करता है ग्रीस से। तो मतलब ये रहा सिटी, ये वाला काश और वो रहा ग्रीस। तो आपके भाई ने ग्रीस देख लिया है, यहाँ से अब ग्रीस जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। चलें जी, काश मैं पहुँच गया हूँ और थोड़ी सी मुश्किल आ गई। आपने देखा होगा मैं पहुँचा कोई मगरिब के करीब था, उस टाइम थोड़ी सी रोशनी थी। अभी अराउंड 9:30 का टाइम हो गया है जो, और काफ़ी देर के बाद दोबारा से वीडियो पे आया हूँ, कैमरा पे आया हूँ। इसकी वजह ये थी कि थोड़ा सी मुश्किल हो गई थी यहाँ पे होटल ढूँढने में। होटल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, होटल से ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं। तो मुश्किल ये हुई यार कि ना यहाँ पे जितने भी हैं वो होटल्स वो बहुत महंगे हैं। छोटा सा सिटी है और बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा, और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि टूरिस्ट होंगे इतने ज़्यादा, बट टूरिस्ट ज़्यादा होने की वजह से होटल मिलने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ। जो मिल रहे थे 400 लीरा, 500 लीरा, 300 लीरा, 350 लीरा, तो अपना बजट वही 150-200 वाला था, मिल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर खैर, और एक बंदे ने काफ़ी तंग किया, बुला कर खड़ा रखा, मैं आ रहा हूँ, कॉल किया था उसको, वो कहता मैं आ रहा हूँ, तो आधा घंटा तक वो आया ही नहीं। फिर गुस्सा आया मुझे, फिर दो बातें उसको भी सुनाई और चला गया वहाँ से। और एक होटल खाली था, वो बड़ा हुआ बिल्कुल थोड़ा सा शहर से बाहर निकल के, सेंटर सिटी से 10 मिनट 5 मिनट की ड्राइव पे होगा। तो उनको थोड़ी सी तरला किया उनका, तो उन्होंने 200 लीरा के दे दिए। ब्रेकफास्ट नहीं है उसमें, दिखा दूंगा आपको रूम, अब भी हालत हो गई है बहुत टाइट। खाना मैंने इधर से खाया है लोकल रेस्टोरेंट से और चाय पी है। अब गाड़ी पार्क की हुई है पार्किंग में, तो अभी गाड़ी लूँगा और चला जाऊँगा। और काश आपको मैं कल दिखाऊँगा, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। तो मतलब कह लूँगी मेरा ऑलमोस्ट सबसे खूबसूरत सिटी अभी तक मुझे यही अच्छा लगा है। सिटी सेंटर अच्छा है, थोड़ा सा कंजस्टेड सा है लेकिन खूबसूरत है, डिफरेंट है थोड़ा सा। तो ज़्यादा लंबी नहीं करता, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।